और अरे भाई क्या खुश आजो यार आजो, कोई पूछने वाला है? थैंक यू सो मच गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, और द सेकेंडली आई थिंक ये फर्स्ट अवार्ड है, यो जो स्टार एमिनेंस का अवार्ड हो रहा है, आई थिंक है ना, इट्स अ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइम ना, ये पहली बार हो? ओके हाँ भाई, अरे मालिक इधर है, मालिक ये लोग हैं और नहीं, 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 हम तो बस, हम सब आपका योगदान करने आए हैं आपके साथ, है ना, और आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छी शाम होगी, पहली शाम है तो बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी, और बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग आएंगे और हमारी जान पहचान बढ़ेगी, सो लेट्स सी, होप ऑफ द बेस्ट चल रहा है यार, जैसे कुछ फाइनल होगा तो डेफिनेटली आई टेल यू। बहुत जल्द, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द, मतलब मैंने ये चीज़ बोल दिया भाई, बस भाई ने बोल दिया तो मूवी में बहुत जल्दी होगी इंशाल्लाह। फैंस के लिए बस यही कहूँगा, जैसे आपने प्यार बना के रखा है हमारे साथ, ऐसे ही प्यार बना के रखिए, अपना आशीर्वाद दे के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, ऐसे प्यार देते रहें, एंड खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Yeah, so firstly I would like to thank Mr. Karthik Paliwal for inviting me for this beautiful and prestigious award, Star Eminence. I'm very, very excited, and obviously, you know, it's a kind of a recognition for all the hard work which you put in. So I'm very excited to be here today. Reality show? I don't much follow it, but yeah, Khatron Ke Khiladi chal raha hai abhi. Well, I already said that if I want to do a reality show, तो मैं कुछ डांस रियलिटी शो टाइप करना चाहूँगा, नो बिग बॉस, आई एम वेरी मच फाइन विद माई एक्टिंग, सॉरी आई एम ऑलरेडी इन अ प्रोजेक्ट, सो लेट दस जस्ट गेट फिनिश एंड आफ्टर दैट ट्रॉफी आई गाइस, ऑफ कोर्स they are my strength, they are everything to me, my well wishers, the kind of love and the kind of, you know, all the attachment, the affection I get from them is just commendable, and I have no words to express that, because it's such a beautiful feeling when you get so much of appreciation from your fans and so much of hard work they put in for making your edits and, you know, making you so much of popular. So I'm very, very thankful to God and Babaji for, you know, putting me at this place, and I'm just loving it. तो ऑब्वियसली हम पूरा साल जो काम करते हैं उसका हमें यहीं पर जाके वो श्रेय मिलता है, तो ये जो अप्रिसिएशन, जो रिकग्निशन है, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर अस, सो ये उस हार्डवर्क को अक्यूमलेट करके हमारे को रिवॉर्ड दिया जाता है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, गो वेल।
I'm super excited for these awards because you know बहुत सारे nominated होंगे and सबको awards मिलने वाले हैं तो let's see कि आज की शाम कैसे जाती है. I'm like ready for it. Actually look बहुत recently मैंने जल्दी ready किया खुद को क्योंकि I'm not prepared before. So thanks to Zen first क्योंकि उन्होंने मतलब इतना अच्छा outfit arrange किया. Something big is coming soon, so stay tuned to see this. मैं अपने friends के लिए and fans के लिए यही कहना चाहूँगी, thank you so much guys for your love and support and keep supporting me. And जो भी आज मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों की वजह से हूँ, वरना आई एम नथिंग. और यहाँ पे मेरे एक और दोस्त आ चुके हैं, भुवन बाम. बूम बाम. एक्चुअली मेरे फेवरेट एक्टर यार ऋतिक रोशन, सो आई लव टू वर्क विद हिम. थैंक यू सो मच. बना ले वीडियो. यस गाइस, तो नमस्कार सभी को. सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा पूरा नाम, बूम बाम की तरफ से. कैसे हैं आप सभी लोग? तो शायरी तो मैंने वहाँ सुनाई थी, मैंने कहा एक बार प्रॉपर कवरेज यहाँ भी दे देते हैं. तो कुछ अर्ज कर देता हूँ. कहते हैं कि कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में कटेगी, ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी. पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी. उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह. खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के दिलों का, मुलाकातें ना सही आहट आती रहनी चाहिए. नाराज़ है ज़िंदगी ना नाराज़ है ज़िंदगी, जो भी है वो बस आज है ज़िंदगी. किसके ये स्टार एमिनेंस अवार्ड्स हैं और यहाँ पर जो भी नए उभरते सितारे हैं उनको मौका दे रहे हैं हमारे मेरी जान गुप्ता साहब. यहाँ पे हैं, बहुत ही आलिशान कोट पहना है इन्होंने. और ये दिस इज़ द फर्स्ट सीजन. कौन सीजन? ये फर्स्ट सीजन. दिस इज़ द फर्स्ट सीजन ऑफ स्टार एमिनेंस अवार्ड्स. और महादेव से दुआ करते हैं कि ये आलिशान हो. और जैसे कि एक बीज बोया है तो बीज एक पेड़ बनेगा, तभी मज़ा आएगा. कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा, बन के शाख खिलूंगा, फिर आबाद हो जाऊंगा. हर रोज आऊंगा आपकी नज़र के सामने और एक फिरोग एक दिन आपकी याद हो जाऊंगा. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस ब्रो, वेरी नाइस. अच्छा किया आप लोगों ने प्लान. में देख रहा हूँ बहुत अच्छा. हाँ जी, दो दिन की मेहनत है. बताओ, दो दिन की मेहनत के पीछे बहुत सालों की तपिश होती है. और ये जो जैसे कि प्लानिंग भी नहीं था. अच्छा, प्लान भी नहीं था. दो ही दिन मिले थे और सब अपन लोग दो ही दिन में सब कुछ किया. nice. तो अब मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कोशिश कि नेक्स्ट ईयर जो भी होगा ये बहुत धमाकेदार होने वाला है. मतलब लेवल भी होंगे क्या? हाँ, तो फिर हमें डांस करने का मौका मिलेगा. अरे भाई भाई बिल्कुल. बहुत ही अच्छे शख्स हैं, मतलब उनकी जितनी तारीफ करो उतना कम है. और वो जब भी आते थे लॉरे लॉकअप में तो एक गुरु मंत्र दे के जाते थे. और जितनी परिस्थितियाँ कठिनाइयाँ आती थी जीवन में हमारे अंदर लॉकअप के, तो अब बेटर वो हम उसको उससे खुद को सुधारते थे और टॉप फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए. थैंक यू. प्रतीक सहजपाल, मेरा जान, मेरी जान, मेरा भाई, एक नंबर बंदा है वो. महादेव के सर पे हाथ है उसके, हमेशा से उसी का सपोर्ट करता है, उसी को करूँगा और किसी को नहीं करूँगा. बिग बॉस नेक्स्ट ईयर देखेंगे यार, कुछ अच्छा हुआ तो महादेव की कृपा से. बाकी मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे. कंगना रनावत जी के साथ काम करने, मूवी करना पसंद करेंगे. कुछ चीज़ें लॉकअप में उन्होंने इतना साथ दिया है तो महादेव से दुआ करता हूँ कि मूवी मिल जाए उनके साथ तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी. मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी. आपकी जो लगन होती है, जो कामना होती है, वही इंसान को लेके जाती है आगे. लॉकअप मैंने भी देखा था आपका, मतलब ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, एक या दो ही बार देखा था. बहुत मस्त होता और बहुत अच्छा भी लगा. अरे सुनो ना भाई, सुनो ना. हेलो, सेंटर, 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 सेंटर,
क्या कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा, आई मीन इनका पहला मुहिम है, थैंक यू सो मच. आज एक अवार्ड मिल रहा है तो खुश हूँ, एंड आई विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट. लाइन ही दे रहे क्या कह रहे हैं, सॉरी. आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT, एंड काफ़ी सारे OTT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. आई डोंट नो विच वन पर्टिकुलर, बट आई थिंक दे हैव गिवन इट फॉर ओवरऑल जितना मेरा काम आ रहा है उसके लिए. थैंक यू. आई एम वेयरिंग समंत चौहान, आई एम वेयरिंग डोल्सन, आई एम वेयरिंग बीना रहेजा, एंड ऑफकोर्स आई एम स्टाइल्ड बाई देव की एज यूजल. अभी तो आया है सॉल्ट सिटी सोनी लिव पे. यस, देयर इज अ लॉट मोर कमिंग, बहुत कुछ आ रहा है अभी इस वक्त. बहुत आ रहा है लेकिन अभी बता दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट वाले पकड़ के मारेंगे. थैंक यू. फैंस के लिए हमेशा प्यार 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 प्यार. थैंक यू. Thank you. Nice to meet you, man. Thank you. Nice to meet you. Huh? Experience, it's good enough. Let's see how it goes. It's a great event, and again honored with an award. The category is really nice, the best avatar. So looking forward for the evening. Let's see how well it goes. Look ke bare mein simple beige hai, so I matlab har baar ki tarah aap dekhenge to I'm a very subtle color choice person. Agar colors hai to black, grey, beige, white, blue. That's where my choice is. So it's a simple but a nicely tailored suit for me. नहीं अभी ऐसे तो मतलब किसी के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, but I'm waiting कि कौन कैसा perform करे, फिर उस बारे में ज़्यादा बात करूँ ज़्यादा बेहतर. बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस बहुत अच्छा रियलिटी शो है, बट आई थिंक नॉट माई टाइप. सो मैं आई एम नॉट अ बिग बॉस पर्सन. थैंक यू.
Hello everybody. अवार्ड्स की नाइट है तो एंटरटेनमेंट डेफिनेटली लिखा हुआ है और अच्छी बात ये है कि सेलिब्रिटीज़ और कॉमन मैन दोनों को साथ में लाया जा रहा है इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ये फासले होते नहीं हैं कभी, पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बनाते हैं या ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि कॉमन मैन और सेलिब्रिटीज़ में बहुत फासले हैं। आई डोंट थिंक सो, वी आर मेकअप निकाल दो, ये पूरा अवतार निकाल दो तो हम भी कॉमन ही हैं। To have a good time at the end of the day, and I would just like to congratulate to all the winners, and kyunki mujhe to koi award nahi mil raha to definitely attend karne aayi hu aur maze karungi. Look ke bare mein kya kuch kehna chahoge aaj? Thank you. Thank you so much. Ye kal ki collection ka outfit hai, Rumi, it's by Rumi, and yeah, thankfully it fit me right, and yeah, it is suiting my body. Mystery of tattoo है और कुछ projects है जिसकी बातें चल रही है, अभी तो concrete कुछ है नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। Hopefully अगली बारी आपसे जब मिलूँगी तो शायद कुछ होगा मेरे पास बात करने के लिए। Fans के लिए क्या कुछ कहना चाहो? अच्छे रहो, खुश रहो, वो बहुत important है और अच्छा करो। Thank you so much, thank you. I'm just so excited and nervous, and I wish सब अच्छे से हो। Very soon. आज ही मैंने story डाली है कि हम बहुत जल्दी next poster release करेंगे। वो तो आप बताओ कैसी लग रही है? Thank you. करण कुंद्रा साडे वड्डे भरा, इज वेरी नाइस गाय। थैंक यू। सो ओके, फर्स्टली इधर आ जाओ ये मैं पहली दफ़ा इस अवार्ड का हिस्सा बनी हूँ और नॉमिनेट हुई हूँ इस अवार्ड में एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो आई एम जस्ट होपिंग कि अवार्ड मुझे मिले। और मेरी पहली क्या कहते हैं मुलाकात, और मेरा पहली बार है स्टार एमिनेंस अवार्ड के लिए, सो आई एम जस्ट होपिंग दैट ये मेरे लिए लकी साबित हो
And I want to wish the entire team of Paliwal Entertainment and Kartik Paliwal all the very best. And वो ऐसे ही हमें इस award function में बुलाते रहिए और हमें अच्छे अच्छे तख्तों से नवाजे. लुक मैंने बड़ा सिंपल रखा है, मैंने सोचा कि आज पैंट सूट पहना जाए और मेरी डिज़ाइनर ने बहुत ही एंड मोमेंट पे मेरे लिए डिज़ाइन किया है सूट एंड शी हैज स्टाइल्ड मी फॉर टुडेज इवनिंग. सो यार मेरा दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं, एक है कुंडली भाग्य ऑन जी टी वी और दूसरा है बड़े अच्छे लगते हैं टू ऑन सोनी टी वी. तो प्लीज़ आप दोनों शोज देखिए और ऐसे ही प्यार दीजिए हमें और ऐसे ही सलाह दे रही है. थैंक यू सो मच. किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए. फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, तो बस आपका प्यार हमें नसीब हो यही हम दुआ करते हैं. एंड आपके सारे विशेज, सारे दुआओं के लिए और सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच. आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हम इतने बड़े स्टार बने हैं. प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो हेलो. थैंक यू हमें बुलाने के लिए. एंड लेट्स सी, वी अटेंडिंग द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. आगे देखते हैं. वी जस्ट कम इन व्हेन वी पार्टिसिपेट इन द शो. आई टेल यू हाउ आई फेल्ट बीइंग द पार्ट ऑफ द शो. I think I've seen these awards happening over the period of time, and you know, I would always think that you know, award shows mein ek time aayega, mujhe bhi bulaya jayega, and you know, all of this is happening now. I've been nominated for the best actor negative in a negative role, so I think my hard work is paying off, and I'm really excited to be a part of this. क्या 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 कहूँ? ड्रेस है और हेयर टॉन्ग किए हुए हैं, बस सिंपल लुक किया मैंने. अभी तो मैं कुमकुम भाग्य कर रही हूँ एंड ऑडिशंस जारी हैं. अब व्हेन यू आर डूइंग अ शो तो आप मतलब कि दूसरा शो नहीं ले सकते क्योंकि आपका सारा टाइम एक शो में चला जाता है. बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोबेबली ऑडिशन फॉर अ वेब और एन एड, तो वो जारी है. आप बहुत टाइम से खड़े हो है ना? लग रहा है बहुत ही डिसइंटरेस्टेड है. वो तंग गया है वो बेचारा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कम ऑन. हाँ जी. बस कार्तिक भाई का फ़ोन आया मुझे और बोले कि अमित भाई आना है आपको. तो मेरा तो कलकत्ता का शो है, मैं निकल रहा था, लेकिन मैं आया यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे अवार्ड फंक्शंस होते रहे जिससे आर्टिस्ट को मोटिवेशन मिले और आगे काम करने का और जुनून मिले. ये मेरी बेस्ट विशेज है. जी जी. राधे राधे आया और गाना सुपर डुपर हिट हुआ. देन अभी जनहित में जा रही फिल्म हमारी आई है नुसरत भरूचा की, उसमें मेरा धोनी भानुशाली का गाना था उड़ा गुलाल इश्क वाला, वो अभी हिट हुआ. एंड आश्रम 2 बाबा लायन क्रांति, देन आश्रम 3 में जपनाम मेरा टाइटल ट्रैक आया.
तो ये सब सुपर डुपर हिट गाने हुए और जर्नी ऐसे ही अच्छी चल रही है। और हाँ, मेरे रेमो सर के साथ में उनके अंडर प्रोडक्शन में डायरेक्शन में कुछ 3-4 गाने आने वाले हैं, बहुत अच्छे गाने वो आने वाले हैं और कुछ फिल्में आने वाली हैं, सिंगल्स बहुत ज़्यादा हैं, म्यूज़िक वीडियोस बहुत आने वाले हैं। फैंस के लिए यही, अमित गुप्ता को प्यार देते रहिए, गाने सुनते रहिए, सिंगल्स जितने आ रहे हैं उन पर रील्स बनाइए, प्रमोट करिए, प्यार दीजिए। और I'm very glad to be here. Thanks to Mr. Jishan to invite me out here, and it's a great pleasure to be here at the Star Eminence Award. And I'm looking forward to the event. I've just come in, so I'm looking forward, and I'm feeling really glad and happy. किसके बारे में? Look, okay. So well, the thing is that I thought that abhi everything is looking very hot, so let me pick up the color red. So I picked up the color red. So today I'm here with black and red. हाँ, मेरे upcoming film भी coincidentally red. I'm doing that film with Krishna Abhishek. So and the Rajiv Chaudhary is the producer. Come on. I'm doing a film with Rajiv Chaudhary. He's the producer of my film Red, which is going to be released in maybe 3-4 months. Another 2-3 months. Yes. Definitely around Christmas we intend releasing. And Payal is superb in that film. She's going to be she's extraordinary. It's worth waiting and watching. So we are really, really looking forward. I hope you guys also like it, because audience are the main people for us. Yeah. And you, if you like the film, then it's all that we actually work so hard for that film. Like is a smaller word. They will love it. Yeah. It's the boldest film of the decade, I should say. All the best. And not bold in look wise. Yeah, because we know how to maintain the Indian culture, but it's is bold while narrating the script or the content, or say the way we have. Dialogue, I don't know. The performance is the producer for us to say talk about. Yeah, performances. I think Krishna Abhishek is different. You've seen Krishna Abhishek dancing, laughing, singing, but here he's very serious. Psycho kind of a character, a killer actually. So people will love him. It's different. Krishna is playing a different character. I am playing a different character than the regular character we have always played in our films. So okay, I hope you will really enjoy the new avatar of me and Krishna. Congrats. So looking forward. Thank you. All the best. Thank you. I would say lots of love to you, be safe, be happy, and always make sure that whatever you do in your life, it is all you do out of all happiness, and be cheerful all the time, and respect elders because they are the one. And always watch movies in theatres, yeah. Come to theatres. Yeah, that's what we should do, we should keep rolling. Love you all. Lots and lots of love from Payal Ghosh. All the best. One he'll take. Yeah, just save the kiddos.
Very excited, nominated you for OTT's best debut. And I'm really excited because Crash ko aaye ho thoda samay hua hai, but that was my debut, so I'm really excited for that. Simple, yeah, quick tha, kal raat ko actually pata chala, and I thought, okay, let's go with a simple bold color and simple look. Yes, मेरी एक नई फिल्म आने वाली है Misfit will be, उसके बारे में डिटेल्स मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी. प्लस एक तेलुगु फिल्म भी है, एक्चुअली दो तेलुगु फिल्म्स हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. थैंक यू गाइज, यू कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी सो मच. उसकी वजह से इतनी मेहनत करने का मन करता है, मोटिवेटेड रहता है. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड टू ऑल द मीडिया एंड एवरी वन. थैंक यू. I'm very happy and I'm nominated, so it means a lot to me, and I'm getting an award also for most promising actress of the year, so it really means a lot to me and I'm very happy to be here. काफी टाइम लगा ये लुक सेट करने में, बट इट वॉज रियली नाइस एंड बहुत अच्छा लगा. जस्ट कीप लविंग मी द वे यू डू एंड इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू. डूइंग अ वेब सीरीज फॉर हॉट स्टार, so that will probably come soon. If I get I would want to work with I would like to work with Ranbir Kapoor. Thank you. I'll wait for him, but together we go. Hi. We'll do it together. We're doing it together. खाने की खुशबू तो आ रही है, अच्छी भी आ रही है, तो लॉन्ग की भी आ रही है. मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके. अरे हाय, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार अवार्ड्स है. एंड द हॉस्पिटैलिटी स्टार एमिनेंस अवार्ड, नाम कितना अच्छा लगता है. सो सच में ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके स्टार हो जाएंगे. बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अंदर जाके मिलने. यस, अब बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग है. अवार्ड फंक्शंस आर ऑलवेज द बेस्ट बिकॉज दोस्त मिलते हैं, मिलना जुलना होता है और एक दूसरे को अवार्ड मिलता है, तो चीयर अप करना, यू नो, ऑल दिस इज फन एंड आई थिंक वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट. मैं बताता हूँ तुम्हारे लुक के बारे में. मैं बताता हूँ, मुग्धा बहुत हॉट लग रही है आज, ठीक है. आई नो शी वॉज गोइंग टू डिनाई, बट शी इज लुकिंग वेरी हॉट एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मुग्धा इज वेयरिंग समथिंग लाइक दिस. एंड my first time and I think her look is inspired by herself only. And I would say ki okay, so Krishna ka look aisa hai, so I would just like to take a look at the shirt he's wearing. It's very different and very nice, and of course it is very very hot. Oh, thank you. And no, I like the color, and you know, it's a subtle yet very, you know, there's some shine in it, so it's very nice. And we both are styled by Saloni Jain. Yeah, ma'am, kitna time jata hai taiyar hone? ये तो सवाल है यार. मैं तुम्हें क्यों बताऊँ. मैम को हम दोनों ही जल्दी रेडी होते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है मैम. मेरे ख्याल से 10 15 मिनट मैक्सिमम, 20 to 25 minutes, and Krishna to 5 minutes, like
25 minutes tab jab it's a very big sequence if you are getting ready for shaadi ka record raha hai ek bar shoot pe shaadi ka hi look tha 15 exact minutes mein bridal look with hair makeup costume I was ready humne time lagaya tha so yeah we get ready very quickly sundarta ko zyada tarashne ki zarurat nahi padti 5 minute कुछ नहीं करना ही नेवर इवन मेक्स हिज हेयर आमतौर पर अब देखा जाए तो लड़कों को बहुत टाइम लगता है बाल बनाने में मेरे जितने भी यू नो लॉट ऑफ को एक्टर्स ऑफ माइन लॉट ऑफ एक्टर्स यू नो यू दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट कृष्णा जस्ट रफल्स हिज हेयर एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज लुक एंड इट जस्ट गोज फ्रॉम द हेयर वंस द व्हाई डू आई रफल माय हेयर एंड नेवर मेक इट इज बिकॉज व्हेन आई वाज सिटिंग में देखता मैम इन हर हाउस एंड शी टोल्ड मी कि द फर्स्ट थिंग अबाउट माय कैरेक्टर वाज दैट योर हेयर विल नेवर बी केप्ट Oh wow. So that was the first thing wow. she told me about Ranbir. His hair will always be ruffled. He'll be always raw. And you know nice yeah. and natural and relatable. The most hair I make is in Ardeen's award function only. Yeah. That's the time you get to do yeah. something. अभी तो कुमकुम भाग्य हमें बहुत बिजी रख रहा है सो हम बहुत खुश हैं हमारा हर दिन एक नया प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे सो गाइस एवरी एपिसोड यू सी यू विल लव इट चलें चलें थैंक यू गाइस बाय टेक केयर जी बिल्कुल पहली बात तो मैं बधाई देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को टीम को इशिका एंड टीम स्टार एमिनेंस के पूरे ग्रुप को एक अवार्ड फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है जहाँ काफ़ी अच्छे चेहरे मुझे दिख रहे हैं काफ़ी वेल नोन एक्टर्स कुछ मुझे मेरे दोस्त दिखे अंदर बाहर जाते हुए सो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि ऐसे एक दौर में जब आपको ऑब्वियसली कोविड के दौर में जब आप इतने एक कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी इवेंट तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है सो बिग कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम तो अच्छा लग रहा है मुझे यार मतलब मैं हार्डली इवेंट्स में आता हूँ लेकिन कभी कभार जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जब इतने प्यार से लोग बुलाते हैं एंड जब अपने काम को सराहा जाता है लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को अवार्ड फंक्शन होता है तो अच्छा लगता है मैं क्या कहूँगा मैं आज जी मैं ऐसा है कि मैं कुछ काम कर रहा था वहाँ से मुझे बीच में आधे पौने घंटे का हल्का सा वक्त मिला है और इसी बीच में मैं जल्दी घर गया मैं चेंज करके आया हूँ क्या काम करता है बताऊँगा नहीं लेकिन कुछ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल उस पर काम चल रहा है लेकिन यस आज मुझे लगा कि क्यों ना आज ब्लैक एंड वाइट लाइक सब जानते हैं ब्लैक और वाइट बट मोस्टली मैं ब्लैक ही पहनता हूँ लेकिन फॉर अ चेंज हल्का सा या ब्लैक एंड वाइट का जो एक मिक्सचर है मुझे लगा आज फॉर अ चेंज लेट्स ट्राई दिस आउट यार मैं तो फिलहाल अपने आप को देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि आज मैं खतरों के खिलाड़ी में जो है मेरे कुछ दोस्त गए हैं एंड विशिंग एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट उम्मीद है कि जब कभी भी ऐसा मौका मिला कभी टाइम मिला तो चाहूँगा कि मैं भी हिस्सा बनूँ जी बिल्कुल विशिंग द एंटायर टीम ऑफ बिग बॉस अ वेरी माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम श्योर हर साल की तरह इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होगा थैंक यू हाँ जी बोलिए ना बोलिए बाइट से ली नहीं आपने बताइए आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ आपको आगे बताऊँगा